हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रिजवाना। आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने चैनल टेक एक्सपर्ट हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक्सेल में इंडेक्स का फार्मूला कैसे यूज़ होता है। तो फ्रेंड चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगी, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की हमारी वीडियो है इंडेक्स फार्मूला का कैसे यूज होता है। वैसे तो फ्रेंड्स, इंडेक्स फार्मूला वी लुक अप वैल्यू के जैसे ही काम करता है। जिस तरह से हमारा वी लुक काम करता है, वैसे ही हमारा इंडेक्स फार्मूला काम करता है। लेकिन दोनों के बीच में फंडा क्या है, आज हम समझते हैं। वी लुक अप में जो हमारा काम करता है, राइट और का की तरफ से ही काम करेगा, लेफ्ट की तरफ से काम नहीं करेगा। लेकिन हमारे इंडेक्स में है, लेफ्ट की तरफ से भी काम करता है। जब वी लुकअप काम करना बंद कर देता है, जब ही हम इंडेक्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको करके बताती हूँ। पहले वी लुकअप के बारे में जानते हैं। इक्वल वी लुकअप, हमने वहाँ पर वी लुकअप लिख दिया है। ब्रैकेट हमारी पूछ रहा है वी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, हमने स्टूडेंट नेम में हमने यहाँ पर सपना ले रखा है, हमने ही प्लेयर सिलेक्ट कर दी, सेल सेलेक्ट कर दिया है, कोमा। अब हमें पूछ रहा है टेबल अरे। तो लुकअप वैल्यू में ये है, हमारी जहाँ से लुकअप स्टार्ट होती है, हम वहीं से ही टेबल सेलेक्ट करते हैं। हमने यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर दी है, कोमा लगाएंगे। अब हमारे कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें जिसकी निकालनी है उसका नंबर क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ से हमारे वी लुकअप वैल्यू स्टार्ट होती है। तो कॉलम नंबर एक, कॉलम नंबर दो, हम यहाँ पे दो लिखेंगे, कोमा ज़ीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए, हमें इंग्लिश की निकालनी थी तो सपना की इंग्लिश के नंबर हमारे आ गए इसमें 63। इस तरीके से वी लुकअप काम करता है। अब हम जानना चाहते हैं हमारी जो सपना है इसकी आईडी नंबर क्या है, क्या वी लुकअप किससे हम आईडी नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करके देखते हैं ये निकलता है या नहीं निकलता। इक्वल वी लुकअप, वी लुकअप ब्रैकेट, हमारे वी लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो सपना लिख दिया हमने, कोमा, हमें टेबल अरे पूछ रहा है तो टेबल अरे, हम इसे सेलेक्ट कर देंगे, कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, हमने टेबल अरे ले लिया है, कोमा। अब एक कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें स्टूडेंट आईडी की निकालनी है तो एक नंबर डालेंगे, हमारे कॉलम नंबर एक, एक डाल दिए, कोमा ज़ीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए, हमारी ये एन ए आर ये, मतलब हमारी ये वी लुकअप से हम स्टूडेंट आईडी नंबर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये एरर दिखा रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इंडेक्स फार्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वी लुक अप काम करना बंद कर देता है, इसलिए ही हम इंडेक्स फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो चलिए हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं, हम उसको क्लियर में जाके हटा देते हैं। हम यहाँ पे इंडेक्स का यूज़ करते हैं, इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। अब हमारे पूछ रहा है अरे, टेबल अरे, तो हमें टेबल सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, हमने यहाँ से टेबल सिलेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड, इसमें ये हमें ये नहीं देखना पड़ता कि हमारे जो वी लुकअप वैल्यू कहाँ पे है, हम वहाँ से करेंगे, नहीं, हम ये टेबल को पूरी सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट
कर दिया हमने, कोमा लगा दिया। अब हम बचा रो नंबर, हमसे रो नंबर पूछ रहा है हमारी जो लुकअप जो वैल्यू है, जो सपना है वो कौन से रो में है। तो देखते हैं हम कौन से रो में, 1 2 3, तो ये तीसरे रो में है। हमने यहाँ पे 3 डाल दिया, कोमा, कॉलम नंबर, हमारी जो स्टूडेंट आईडी है वह कौन से कॉलम में है। तो कॉलम नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो कॉलम हमारा 1 में है हमारी स्टूडेंट आईडी। हमने यहाँ पे 1 डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए हमारी स्टूडेंट जो आईडी है हमारी निकल के आ गई है, T002 सपना की। तो फ्रेंड्स हम लेना चाहते तो हम यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे इंडेक्स फार्मूले से हमारा ये सपना की स्टूडेंट आईडी आ गई है। तो इस तरीके से इस सिचुएशन में हमारा इंडेक्स काम करता है। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारी वीडियो बनाने की क्रिएटिविटी बढ़ती रहे। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप मेरी वीडियो सीधे आप तक पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।